learn to face those fears and those traumas, then we are able to get out of it. A disclaimer is that antipsychotics are not curable. You know it very well. Even if you Google it, are antipsychotics curable, they will tell you they are not. Because the problem is that antipsychotics जो होते हैं वो psychosis के phenomena को सिर्फ suppress करते हैं bio clock को. हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो एमिनो एसिड्स पे कैसे काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे डिसॉल्व होते हैं, उनको रीडिसॉल्विंग कैसे होती है उनकी, लेकिन वो सप्रेस कर रहे हैं, क्यूरेबल्स नहीं है. अब द प्रॉब्लम इज दैट लाइक व्हेन यू आर इनटू अ डिप्रेशन देयर इज ऑलवेज अ साइको सोशल क्लॉक विच इज डिसफंक्शनल, जो कि सही कहा, जिसके अंदर जो लर्न्ड बिहेवियर्स, इमोशंस और थॉट्स हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, यानी कि वो नेगेटिव फिल्टर के तौर पे काम कर रहे हैं. वो तस्वीरें बन चुकी हैं नेगेटिव हाका, जिसको कॉल हॉवेलैंड कहते हैं, पिक्चर्स इन द माइंड ऑफ अ क्लाइंट. अब उसमें दिमाग आपका ऑटोमेटिक हो जाता है कॉर्टेक्स न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से आपको गैर जरूरी सोचें, आपके बिहेवियर्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे होते हैं, इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे होते हैं. एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड यूजिंग, आई जस्ट टुक एंटीसाइकोटिक्स फॉर 10 years, सो बट टुडे आई एम आउट ऑफ इट. सो ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि देयर मस्ट बी अ ट्रामा फ्रॉम योर चाइल्डहुड. वो ट्रामा आपके साथ चलता आ रहा होता है, और जब आपके न्यूक्लियर एकम्बर्स, जब हर इंसान का अपना होता है कि वो कब रीबैलेंस्ड होंगे, उसको हम कहते हैं रिलोकेट करना भी कहते हैं, तो वो जिस इंसान के जिस उम्र में होते हैं उस उम्र में उस इंसान को डिप्रेशन हो जाता है. उसके बाद कुछ लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है, कुछ लोगों को फोबिया हो जाता है. लाइक दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ दीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई व्हिच वाज दे वर बीइंग थ्रस्ट अपॉन इनिशियली.